बबीना में मूर्ति विसर्जन व दशहरा त्यौहार के मद्देनजर थाना पुलिस ने एसडीएम सदर शशिभूषण सिंह व थाना प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पांडे के संयुक्त नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। मंगलवार की शाम एसडीएम सदर व थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा कस्बे में पैदल गश्त किया गया, जिसमें एसडीएम ने सभी दुर्गा पंडालों में पहुंचकर मूर्ति विसर्जन की जानकारी लेते हुए विसर्जन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने दशहरा ग्राउंड पर जाकर मैदान का निरीक्षण किया व समिति के पदाधिकारियों से दशहरा उत्सव के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके पूर्व थाना प्रभारी निरीक्षक ने कस्बे के बड़ा तालाब, सुकुआ टुकुआ बांध व झरर घाट पहुंचकर मूर्ति विसर्जन व्यवस्था का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त निरीक्षक नरेंद्र कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक रावेंद्र प्रिया कुमार मिश्रा, एसआई अनुराग शर्मा, एसआई संजय सिंह, एसआई अनुज यादव, हेड कांस्टेबल सफी मोहम्मद, संदीप कुमार, अजय कुमार, आशीष, योगेंद्र, राजकुमार, अंशु यादव, सुधीर कुमार, अंचल व महिला कांस्टेबल नेहा नगीना आरती आदि मौजूद रहे। आज हम लोग ने यहाँ नगर भ्रमण किया है। जो भी हमारी दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई हैं उनके जो आयोजन समिति के बंधु हैं सभी से हम लोगों ने खुद ही जाके बात की है। कल जो विसर्जन होना है उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, एक सीमित संख्या में लोग ही विसर्जन स्थल तक जाएं, छोटे बच्चों को उससे मतलब दूर रखें, नदी में भी मतलब एक सीमित संख्या में ही 3 से 4 लोग ही मूर्ति को लेकर जाएं, जिससे कि किसी भी प्रकार की अनहोनी या कोई घटना घटित ना हो। और आज जो मूर्तियाँ लगी हैं उसके लिए भी उनको मतलब निर्देशित किया गया है कि जो भी शासन प्रशासन के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो भी आपने देखा कि एक घटना घटित हुई है प्रदेश में, तो उससे संबंधित भी जो निर्देश हैं कि किसी भी तरह से चाहे शॉर्ट सर्किट से हो चाहे आग से हो कोई भी घटना घटित ना हो, और अपनी तरफ से जो व्यवस्था कर सकते हैं अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। सर, जैसे कि देखा जाता है कि पहले लोग प्रणालियों में ले जाकर मूर्ति विसर्जन करते थे, अब क्या है शासन प्रशासन के जो निर्देश आए हुए? नहीं, बिल्कुल मना किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है बिल्कुल ही मना किया गया है कि कोई भी मूर्ति को नहीं ले जाएगा। वो ट्रॉली से ले जाने के लिए बोला गया है, उसमें भी सिर्फ 2 ही 3 व्यक्ति मूर्ति के साथ रहेंगे और उसमें भी मना किया है कि छोटे बच्चों को साथ में वो नहीं रखेंगे। बबीना से विजय वर्मा के साथ प्रदीप यादव की रिपोर्ट।